दशकों पहले साल 2004 में जब कैसेट का जमाना था तब एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता था, वो है वीरेंद्र कुमार निरहू का। हम बता दें कि एक मूवी आई थी निरहू की लव स्टोरी और उस मूवी ने रातों रात इन्हें ख्याति दिलाई। तो निरहू भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर नवीस में। धन्यवाद सर खबर नवीस की। आप दशकों बाद आपने कम बैक किया है, तो इतने दिन तक कहाँ गायब थे? इतने दिन गायब होने का रीज़न था सर, हमारी पारिवारिक कुछ परिस्थिति थोड़ा गड़बड़ हो गई थी और काफ़ी समस्याएं चल रही थी जिसकी वजह से हम निकल नहीं पा रहे थे। और आज फिर से हमारे ऊपर शिवा म्यूजिक वर्ल्ड, आर्यस यादव प्रीतम, ज्ञान यादव जी, ये विजय बहादुर यादव और तमाम हमारे जो कलाकार हैं सभी सहयोगी, सभी लोग का फिर से प्यार आशीर्वाद मिला कि हम लोग युवा के फिर से उसी टाइप से समय बदल गया, वक्त बदल गया। और लेकिन आपका जो अंदाज है नहीं बदला। आज आप जिस ड्रेस में हैं, भैया के ससुरारी में आपका एक गाना आया था, हूबहू इसी ड्रेस में थे, ऐसे ही नारा आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नारा, ऐसे हाफ पैंट था, ऐसे ही टोपी थी, याद है आपको वो समय? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। वो गाने के बोलते एक से बढ़कर एक देखा ली भैया कसम संभाल तोरे ससुरारी में। और आज भी देखे वही अंदाज है, निरहू जो वापसी किए हैं अभी भी देख लीजिए, दो एक्ट्रेस साथ में है और लोगों को हंसाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो आपके दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं अब उनकी उम्र जो है वो ढल रही है धीरे धीरे। क्या आप जो नए दर्शक निकल के आ रहे हैं, जो नव युवक हैं, उन पर आप कब्जा जमा पाएंगे? उनको अपनी जो हिट मूवी और जो भी सॉन्ग आपके एल्बम आने वाले हैं, क्या लगता है पसंद आएगा? बिल्कुल सर पसंद आएगा, क्योंकि देखिए सर कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है कि छोटे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो चाहे सबको पसंद आती है। और हम बहुत हाई फाई अगर कल्चर लेके बनाते हैं तो तमाम हमसे बड़े बड़े लोग बना रहे हैं, तो हमको लगता है कि वहाँ हम सक्सेस नहीं है। अगर हम मिट्टी की चीज़ बताते हैं लोगों को, गांव की अगर देसी चीज़ें अगर उनको सामने रखते हैं तो उनको भी एक दिन याद आएगा कि शायद मेरे पिताजी के ज़माने में ऐसा गांव था। ये बहुत ज़रूरी है। मैं इनकी कई चीज़ें ऐसी हैं, कई गाने ऐसे हैं जिनमें बुराइयां भी कुछ अच्छाइयां भी हैं। अच्छाइयों की अगर हम बात करें तो जहां आज भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें या बॉलीवुड की बात करें, आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा बजट का होता है। लेकिन इनका एक गाना आया था फैशन मैशन आइल महरिया, जो बैकग्राउंड उस टाइम का था वही बिल्कुल वैसा ही आज भी है। वहाँ भी बर्तन मांजने की और माता जी जो है वो बैठी होती हैं चारपाई पर और बहुत सारे उसमें अलग अलग सीन दिखाए गए हैं, बैकग्राउंड आज भी वही रख रहे हैं, क्यों नहीं बाहर जा रहे हैं, क्या वजह है? हमारी जो भोजपुरी है वो मिट्टी की खुशबू है, हम इस कल्चर को छोड़ के कैसे बाहर जाएंगे? अगर हम इस कल्चर को छोड़ के जाएंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ देर के लिए लोगों को मज़ा तो आएगा लेकिन कहीं ना कहीं गाना हट जाएगा कि यार भोजपुरी है तो भोजपुरी में गांव, खेत खलिहान, मिट्टी के घर, गाय भैंस बकरी आए, थोड़ा नाक बच्चा अगर नाक फक बहले हो, ये सब हाफ पैंट पहन ले हो, ये सब चीज़ें कौनों चार दिन से नहीं लेवन, कौनों ना नहीं लेवन, कौनों रोज नहा, तो ये सब चीज़ें जब उनको मिलेगा तभी उनको लगेगा कि ये गांव का कल्चर दिख रहा है। मैं चाहूँगा एक बार अपने सहयोगी से एक बार दिखाएं, जरा यहाँ पर अभी शूटिंग चल रही थी और यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हैं। जी बिल्कुल, तो ये बताइए निरहू भैया का गाना अब जो आ रहा है आप लोग उसे हिट करवाएंगे? जी जी, जी, जी तो देखिए यहाँ बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो भैया निरहू आप बताइए कि आज की जो शूटिंग है और हमारे जो भी दर्शक हैं, परिचय करवाइए दोनों एक्ट्रेस से आप। हाँ, ये हैं पलक मिश्रा जी, गोरखपुर से हैं, और ये हैं अयोध्या से महक जी हैं, और मैं वीरेंद्र चौहान निरहू बनारस से। आपको तो हर कोई जानता है, आपका तो बोलबाला था और मुझे लग रहा है दोबारा से होने वाला है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ महक जी कि आपने निरहू के साथ काम किया, ये बहुत पुराने समय से हैं इंडस्ट्री में, आप क्या है आप देखेंगे नए नए तौर तरीके निकल कर आ रहे हैं क्योंकि नया नया ड्रेस होता है, जैसे इस जिस ड्रेस में ये है ये ड्रेस तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो आपका कैसा अनुभव रहा? पहले मैंने कभी देखा भी नहीं है, बट मुझे सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मतलब ऐसी ड्रेस और ये सारी चीजें, ये तौर तरीका आपने पहले कभी नहीं बच्चों को देखा है? बट बड़े लोगों को नहीं देखा। अच्छा, ये वीडियो में बच्चों की तरह दिखते हैं, बिल्कुल हरकतें भी वैसी होती हैं। मैच्योर कितने हैं, कितनी समझदारी है, कितना मोटिवेट कर पाते हैं आप लोगों को, कितना समझा पाते हैं कोई एक्ट हो अगर आपसे गड़बड़ हो रहा हो? बहुत समझाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, अभी भी मुझे बहुत कमी आ रहा है बट मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। आप अयोध्या से हैं जी। क्या लगता है कि अयोध्या की जनता जो है इस बार हिट करेगी निरहू को? बिल्कुल हिट करेगी। हाँ। अच्छा ये बताइए कोई भक्ति गीत वगैरह भी आ रहा है? आप अयोध्या से हैं, भगवान राम की जन्मभूमि, वहाँ भी आपने देखा है कितनी सारी तैयारियाँ तेजों से चल रही हैं, तो क्या भगवान की भक्ति गाने को लेकर कोई तैयारी है आपकी?
जी बिल्कुल है और करेंगे आगे। अब हम बात कर लेते हैं पलक जी से। पलक जी आप बताइए, आपको काम करके निरहू जी के साथ कैसा लगा? निरहू जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी होती है कि मैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जिनको मतलब मैं बचपन से देखते आ रही हूँ उनके साथ काम कर रही हूँ, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। आप लोग अपना प्यार वीडियो में और दर्शकों को जितना पता है, निरहू भैया जो है बहुत ज़्यादा बच्चे की तरह रहते हैं, खेलते कूदते हुए नजर आते हैं, लोगों को हंसाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। असल जीवन में कैसे हैं? आपने चूंकि इनके साथ कई सारे गाने कर चुके हैं अब तक, असल जीवन में सर बहुत ज़्यादा मेच्योर है और जैसा मतलब है ना, बहुत हट के हैं, बहुत अलग है, डिफरेंट है, चीज़ों को इतने बारीकी से समझाते हैं जैसा मतलब बहुत डिफरेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मतलब कैमरे के सामने ही जो इनकी लाइफ है लोगों को हंसाने वाली, रियल लाइफ में वैसे नहीं है बिल्कुल। रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, मैं तो मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, अभी भी होती हैं, मुझे समझाते भी हैं, डांटते भी हैं और हंसाते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बेशक आने वाले टाइम में निरहू भैया जो है छाने वाले हैं, क्योंकि वही पुराना अंदाज जो देखे, हालांकि अगर देखा जाए मॉडर्न अंदाज जो है दोनों एक्ट्रेस का है, लेकिन जो एक्टर है अपने पुराने अंदाज में है, तो लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। कौन सा गाना आज शूट हुआ है, अगर आप उसकी एक लाइनें कोई बताना चाहें? ये ईराना बुच्ची अभी शूट हुआ है और सुबह जो हुआ था एक पारंपरिक गीत शूट हुआ था। मेरी वाइफ को बच्चा पैदा होता है, वो हॉस्पिटल से 15 दिन बाद लौटती है तो सुख के अमहर हो जाती है, काला हो जाती है। अच्छा, अच्छा। गोरा जाती है, काला होके आती है और मैं पहचान नहीं पता कि मेरी वाइफ है। मैं अपने बाबू को पकड़ के लगता हूँ डांटने की, मेरी मेरारू ने इसको भगाओ, मेरी मेरारू जैसी गई थी वैसा लेकर आओ। अलगते हैं रोने जब हमको समझाते कि यही त्योहार मेरा, उसी पर गाना बना है। हाँ अच्छा, आखिरी सवाल, आपके दिल के सबसे ज्यादा कौन सा करीब गाना है जो आपने गाया हो पिछले समय में? अभी जब आपने कमबैक किया तब की बात नहीं कर रहे हम, जो आप सबसे ज्यादा गुनगुनाते हो या आपने देखा हो, देख के आपको लगा ये गाना बढ़िया है? जी, वो निरहू की लव स्टोरी का था। अच्छा। मेरी लाइफ का बहुत पहला एल्बम था जब हम इंडस्ट्री में स्टार्ट किए थे। वैसे तो बेसिक मैं कोरियोग्राफर था, डांस मास्टर था, और मनोज तिवारी जी कई हमारे आदर्श रहे हैं, उनके काफ़ी एल्बम्स मैंने कोरियोग्राफ किए हैं। सन 2000 से लेकर 4 तक मैंने उनके कोरियोग्राफ किए हैं। उसके बाद फिर हमको मौका मिला निरहू की लव स्टोरी रोल में। अच्छा, दोनों एक्ट्रेस ने आपके बारे में बताया, पलक ने भी, महिमा ने भी, आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं? इंडस्ट्री में काम करने लायक कितनी अच्छी हो गई हैं, कितनी मैच्योर हो गई, इनकी एक्टिंग कितनी अच्छी है, आप इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सर, जैसे महक जी आई थी, इन्होंने काफ़ी काम किया है गोरखपुर में, लेकिन जब हमारे पास आई तो इनको बड़ा टफ लगा कि नहीं यार, यहाँ बारीकियाँ बहुत देखी जा रही हैं, नहीं कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे कि छाप दे एल्बम को या वीडियो को, बना दे ऐसे कुछ भी नहीं। यहाँ जो चाहिए तो चाहिए, उतना एक्ट को आपको करना ही करना है, चाहे उसका रिहर्सल करिए, दो एक घंटा लीजिए चाहे 1.5 घंटा समय लीजिए। और महक, महक जी का भी वही हाल था। अच्छा। सुबह कुछ नर्वस हुई थी तो बोले काक पड़ा का हमारा सही हो जी। अच्छा। मैं फटा बोल देता हूँ, इसलिए नहीं बोलेंगे तो इनके डर खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, जो काम 10 दिन बाद करने वाले हैं, नहीं जब तक अभ्यास नहीं होगा, धीरे धीरे करते करते ही। और फिर जब सेकंड गाना इन्होंने किया तो पूरा एकदम बवाल कर दिया।